गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम 15 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारी जो क्लासेस है इसके बारे में आपको पहले से पता रखा है मैंने कि ये एक शॉर्ट क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आपको बायलिंगुअल फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हमारी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और इस वीडियो को ऑन टाइम पाने के लिए आप हमारे चैनल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के एंड में हम हमेशा आपको एक क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए और हर स्टार्टिंग में हम उस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर दिया था। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो हमारा हम लास्ट क्लास का सोल्यूशन देख लेते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? ठीक है, तो विच कंट्री हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिम ओशन एसोसिएशन? इसका आंसर आपका क्या है? इंडिया। ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहा है इस बार? इंडिया कर रहा है। तो क्वेश्चन में अब हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, यानी 15 अक्टूबर 2023 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फोर्ब्स पत्रिका की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सी है? ठीक है, विच इज द ओनली इंडियन पी एस यू टू फीचर इन फोर्ब्स मैगजीन वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 लिस्ट। ऑप्शन ए है एनटीपीसी। देखो थोड़ा सा ना ये मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा गलती होगी इसमें। ये ए है, यानी ये यहाँ पे आना चाहिए था, थोड़ा ऊपर हो गया। ठीक है, तो ए है एनटीपीसी, बी है एच ए एल हॉल यानी, और सी है भारत पेट्रोलियम और डी है रिलायंस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की जो सूची में है शामिल हुआ है। ठीक है, तो उसका आंसर आपका है ए, जो आपका एनटीपीसी है यही आपका शामिल हुआ है किसके अंदर? वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की फोर्ब्स सूची के अंदर। ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 सूची में शामिल होने वाली एनटीपीसी एकमात्र भारतीय पीएसयू है। देखो भारत की केवल एकमात्र पीएसयू, पीएसयू मतलब क्या होता है, सॉरी पीएसयू मीन्स होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है और मतलब एकमात्र कंपनी, ऊपर से इसका रैंक देखो, मतलब रैंक कितनी पीछे है, पर ठीक है कोई बात नहीं। हम हमेशा होपलेस होते हैं, अपनी होपलेस कह रही हूँ, हम हमेशा हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए अपनी अचीवमेंट के लिए। तो 261वां स्थान मिला है भारत को आउट ऑफ 700। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भारतीय और पीएसयू में शामिल होंगी और जो टॉप 10 के अंदर भी आएंगी। ठीक है, तो 261 जो रैंक है इंडिया की है 700 में से, किसकी है ये रैंक? ये आपकी जो हमारा एनटीपीसी है उसकी है। ठीक है, किसके अंदर? वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची में। क्वेश्चन सेकंड है लेबर फोर्स सर्वे 2023 के अनुसार महिला श्रम भागीदारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? आप जानते होंगे कि जो विमेन पार्टिसिपेशन रेट है वो इंडिया में बहुत कम है। ठीक है, बट इस बार थोड़ा सा न्यूज़ आया है लेबर फोर्स सर्वे की तरफ से कि इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। अब हमें देखना है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, यानी कितनी वृद्धि की हुई है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू द लेबर फोर्स सर्वे 2022-2023 व्हाट परसेंट हैज द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बीन? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए, अच्छा यहाँ पे ए मिस हो गया, सॉरी, तो हम ए कुछ भी मान लेते हैं, हम ए मान लेते हैं आपका 40%। ठीक है, तो उसका आंसर बी 37, सी 38 एंड डी 39। तो उसका आंसर आपका क्या है? 37%। ठीक है, कितना हो गया? 37% हो गया इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो लेबर फोर्स सर्वे 2023 के अनुसार महिला श्रम भागीदारी यानी वुमेन्स पार्टिसिपेशन रेट 4.2 की वृद्धि के साथ 37% पर पहुंच गई है, यानी 37% हो गई है किसकी? वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अपनी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में जारी आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लेबर फोर्स रेट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और 15 सालों में आपको ये दिखा रखा कि कितना, पिछली बार 32% था। ठीक है, और अब कितना हो गया? 37% हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे सही पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम धीरे धीरे सही पर अपनी चीज़ों को सुधार ला रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड हम उम्मीद करते हैं हम आगे और सुधार करेंगे। ठीक है,
अच्छा एक बार मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या लगता है कि इंडिया में वुमेन पार्टिसिपेशन रेट कम क्यों है, ठीक है? और अगर कम है तो क्या तरीके हैं जिससे हम वुमेन पार्टिसिपेशन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं? ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है कि जो मेटर्निटी लीव होती है उसको बढ़ाकर 26 हफ्तों की मेटर्निटी लीव कर दी है, ठीक है? तो ये एक तरीका है जिससे हम वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं, ताकि क्योंकि देखो क्या है, जो वुमेन्स है ना वो थोड़ी सी वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी की। वुमेन्स हो गए और जो कुछ कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई, दे आर अ वल्नरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है? यानी हल्की से चेंज से इनके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। सोसाइटी में जरा सा चेंज होगा इन सब में, देखो उस चेंज का प्रभाव सब पे पड़ेगा, पर जो वल्नरेबल सोसाइटीज होती हैं या फिर जो वल्नरेबल पार्ट्स होते हैं सोसाइटी के, वो सबसे ज्यादा इससे अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसके बारे में सोचना जरूर, सो दैट आपको ना आपका जो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा ये ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉस एंजल्स ओलंपिक में किस खेल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? विच स्पोर्ट्स प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द लॉस एंजल्स ओलंपिक? देखो लॉस एंजल्स ओलंपिक जो होता है उसके अंदर अभी ना कुछ दो तीन चार गेम है जिन्हें अभी क्या किया गया है, अभी उन्हें ऐड करने की बात की गई है, उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आपके ऑप्शन है ए हॉकी और बी सॉरी क्रिकेट, बी हॉकी, सी लूडो और डी खो। तो इसका आंसर क्या है? ए हॉकी और सॉरी क्रिकेट, ठीक है? क्रिकेट को क्या किया गया है, क्रिकेट को लॉस एंजल्स ओलंपिक में जो है ऐड करने की बात हुई है, उसका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है? क्रिकेट सहित 5 अन्य खेलों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट सहित बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रॉस और स्क्वाश को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कौन कौन सा गेम है ये, गेम ध्यान रखना, क्रिकेट है, बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल है, फ्लैग फुटबॉल है एंड लैक्रॉस और स्क्वाश है, ठीक है? यानी 1, 2, 3, 4 और 5, 5 या टोटल 6 गेम है, ठीक है? 5 जो है, 6 टोटल क्रिकेट को लेकर 6 जो गेम है उन्हें इसमें शामिल करने की बात की गई है, उसको स्वीकार कर लिया गया। 15 अक्टूबर को मतदान के बाद क्रिकेट 1990 के बाद पहली बार ओलंपिक का हिस्सा बनेगी, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखो एक और चीज आप जान लीजिए कि 2028 का ओलंपिक होने का जा रहा है, तो ये होने जा रहा है लॉस एंजलिस के अंदर, ठीक है? और खुश समाचार है, किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? आपके ऑप्शन है ए सत्यार्थ कैलाश, बी डोरेन डुगलस, सी क्रिस्टियन जॉर्जिवा एंड डी माइकल डगलस, ठीक है? तो इसका आपको आंसर बताना है कि किसको दिया गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो उसका आंसर आपका है डी माइकल डगलस को क्या मिला गया है, माइकल डगलस को मिला है क्या सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को गोवा में नवंबर में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। तो ये है कौन, डगलस जो है ये माइकल डगलस एक हॉलीवुड के हीरो हैं, ठीक है? और ये जो सत्यजीत रे जो अवार्ड है ये कहाँ पे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा गोवा में। और कब दिया जाएगा, ये दिया जाएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के टाइम पे, यानी IFF जो होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, कहाँ होने वाला है ये, गोवा में होने वाला है और वहीं पे मिलेगा सत्यजीत रे जो पुरस्कार है इनको, माइकल डगलस को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है, सितंबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? हु हैज बीन द नेम बी नेम्ड द प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सेप्टेम्बर? तो देखो हर महीने के जो कुछ ना कुछ क्रिकेटर जो जो प्लेयर ऑफ द मंथ बनते हैं, तो कौन बने हैं सितंबर मंथ के? आपके ऑप्शन है ए बाबर आजम, बी जसप्रीत बुमराह, सी रविंद्र जडेजा एंड डी शुभमन गिल, ठीक है? तो इसका आंसर आपका क्या है, डी शुभमन गिल, ठीक है? शुभमन गिल को क्या मिला है, ये बने हैं सितंबर मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है? तो श्रीलंका की महिला क्रिकेटर चमारी अट्टापट्टू को सितंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ महिला चुना गया, ठीक है? यानी फीमेल में कौन है, श्रीलंका की है कौन, ये चमारी अट्टापट्टू, और इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ मिला। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को सितंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष चुना है, यानी मेल में, यानी मेंस में कौन है, तो जो प्लेयर ऑफ द मंथ है मेंस में वो है आपके शुभमन गिल, भारतीय जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और जो महिलाओं में है वो है चमारी अट्टापट्टू जो श्रीलंकन विमेन क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉरियंस के एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ लॉरेंस, ठीक है? आपके ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी नीरज चोपड़ा, सी मीराबाई चानू एंड डी विराट कोहली। तो उसका आंसर है
नीरज चोपड़ा, आप जानते हो इनके बारे में, ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं भारतीय, और ओलंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। एथलेटिक्स के अंदर पहला गोल्ड मेडल भारत में इन्होंने दिलाया, बहुत टाइम बाद इन्होंने दिलाया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लॉरेंस है क्या ये। ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लॉरेंस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 लियोनल मेसी को चुना गया था। देखो अध्यक्ष बने हैं ये, ठीक है, कौन? नीरज चोपड़ा। पर चुना किसे गया? लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बना है? वो बने हैं आपके लियोनल मेसी, 2023 से बने थे। ठीक है, तो लॉरियस एक ग्लोबल खेल आधारित चैरिटी है जिसका मुख्य मिशन युवाओं युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। ये है क्या बेसिकली, एक तरह की एक चैरिटी है जिसके अंदर जो यूथ है उसको खेल के लिए सपोर्ट प्रमोट करना और जो यूथ है उनके जीवन को और अच्छा बनाना, ये इनका काम है। ठीक है, तो देखिए हमने आज के अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है। हमने जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट हमने उनको सिलेक्ट किया और आपके लिए हमने वीडियो बना दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भले ही आपको लगता हो कि यार ये तो हमने पढ़ा ही है तो इसको क्या ही देखना, पर ट्रस्ट मी, अगर आप इसके बारे में दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम टाइम में बहुत ही ईजी लगेंगे इनको इनको टैकल करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? वट इज इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? आपके ऑप्शन है A161, B162, C165 एंड D170। ठीक है, तो वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, पहली बात आपको बताना है कि इसका रैंक क्या है, ये तो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और सेकंड आपको बताना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि इसको रिलीज कौन करता है, यानी कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स को। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो आपको बतानी है, आप इसके लिए किसी भी सर्चिंग साइट का हेल्प ले सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको इसका रिप्लाई करें, इसका कमेंट करें, सो दैट आपको ये चीज़ लंबे समय तक याद रहे। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स एंड बी फोकस।